तो हेलो फ्रेंड्स, सीड क्रिएटिव आइडियाज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्लास्टिक का गियर बनाएंगे जो कि हमारे 775 मोटर के प्रोजेक्ट में बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमें ये बनाने के लिए सबसे पहले इस प्रकार का जो पीवीसी का पाइप है दोस्तों, इस प्रकार का सबसे बड़ा वाला आता है, 110 एमएम उसका डायमीटर है। ये आपको मार्केट से ले लेना है, ये आपको बहुत ही आसानी से और कम पैसे में मिल जाता है दोस्तों। इसको हमें काट कर उसके सीट्स बना लेने हैं। इससे छोटा वाला पीस मेरे पास था तो मैंने उसको गर्म करके बिल्कुल सीधा बनाया है, जिससे कि थोड़ा सा ये जल भी गया है। पर हमें दो पीस इस प्रकार से चाहिए और उनको हमें जोड़कर एक साथ थोड़ा सा मोटा बनाना है। तो ये जो पाइप है हमारा, उसका थिकनेस है 4 mm। तो यहाँ पर दो जोड़ने से बाद हमारा 8 mm हमारा थिकनेस मिलता है। तो दोनों को जोड़ने के बाद दोस्तों हमारा जो गियर है वो अच्छे से बनेगा। तो उसको मैंने सुपर ग्लू के मदद से दोनों पीस को एक साथ इस प्रकार से जोड़ लेता हूँ। तो ये निकल भी नहीं रहा है, मेरे साथ ऐसा ही होता है हर वक्त ग्लू। तो देखिए दोस्तों, ये निकल रहा है अभी। तो इस प्रकार से आप उसको अच्छे से लगाएं, क्योंकि ये काम होने के बाद अगर छूट जाएगा तो आपका जो गियर है बहुत बेकार हो जाएगा और यहाँ पर आपको बेकार की परेशानी जो है आएगी। तो दोस्तों, वीडियो को आप देखते रहिए, मैं आपको बहुत ही अच्छे से ये जो गियर कैसे काम करता है और कितना स्मूथ ये वर्क करता है ये आपको मैं बताऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो में देखते हुए भूल जाते हैं कि लाइक भी करना होता है। तो दोस्तों, हमें ये गियर बनाने के लिए इस प्रकार से ये जो पेपर के ऊपर मैंने प्रिंट कर लिया है गियर को, तो इसका जो डाउनलोड लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर चार प्रकार के गियर हैं। एक है सबसे बड़ा वाला, जिसका डायमीटर है 10 सेंटीमीटर, उसके बाद है 5 सेंटीमीटर वाला, और उसके बाद है उससे छोटा, और सबसे छोटा वाला है ये। तो ये हमें एक छोटा वाला गियर बनाना है जो कि थोड़ा सा मतलब मीडियम साइज का है ये वाला। तो ये हम बनाने के लिए उसको हमें कट भी कर लेना है। तो इस प्रकार से काट कर हमें ये जो है निकाल लेता हूँ अच्छे से। तो देखिए, इस प्रकार से कटर से उसको काट कर आप निकाल लीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये निकल चुका है। अब हमें उसको थोड़ा सा राउंड करके काटना है। ये जो हमने दो प्लास्टिक जो जोड़ा था उसको हमें एक सर्कल लेना है, जिससे कि गियर से थोड़ा सा बड़ा हो। यहाँ पर हमें ये जो राउंड प्रोट्रैक्टर से ये राउंड में ले रहा हूँ, उसके ऊपर थोड़ा सा पेंसिल से हम निशान बना लेते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद ये जो पेपर हमने काटा है उसी के हिसाब से हमें मतलब जो गियर का साइज है उसके हिसाब से आपको उसको कट करना है। ये आप हेक्सो से भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर मशीन से करूँगा एंगल ग्राइंडर से। तो यहाँ पर अच्छे से उसको घिस कर उसका जो सर्कल है निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एंगल ग्राइंडर या फिर कोई मशीन का यूज करें, थोड़ा सा ये डेंजर भी होता है। अगर आपके पास बेंच वाइस या फिर कोई क्लाम्प है उसके साथ यहाँ पर आप उसको फंसा कर आप उसको अच्छे से हेक्सो से भी काट सकते हैं। तो दोस्तों, इसका आप ध्यान दीजिएगा, तो ये बहुत ही अच्छे से कट भी जाता है, क्योंकि बहुत ही मुलायम प्लास्टिक होता है। तो दोस्तों, मैंने राउंड बहुत ही अच्छे से काट लिया है। तो इसको हमें अभी इसके ऊपर जो हमने पेपर काटा था गियर वाला उसको चिपकाएंगे। तो उसका थिकनेस भी 8 mm हमें अच्छे से दिख रहा है, देख लीजिए। तो ये जो हमारा सर्कल था उसको हमें चिपका लेना है। तो यहाँ पर मैं ग्लू इसमें लगा लेता हूँ। तो अच्छे से आप यहाँ पर ग्लू लगाइए, क्योंकि अगर काटते वक्त ये पेपर हट गया तो बहुत ही दिक्कत होगा और गियर जो है अच्छे से नहीं बनेगा। तो ये हमेशा दिक्कत हो जाती है मेरे साथ कई बार ऐसा करते हुए। ऐसा आपके साथ भी होता है कि नहीं, मुझे आप कमेंट में बताइए। गड़बड़ तो हर काम में हो ही जाता है मेरे साथ। तो देखिए, ये अभी हो गया है। मैंने देखिए यहाँ पर कट्स लगाए हैं, जहाँ जहाँ पर हमारा जो टीथ अंदर की तरफ गया है उसमें मैंने कट्स लगाए हैं। उसके बाद उसको कैसे घिस कर आप उसका जो टीथ अच्छे से निकाल सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, थोड़ा सा डेंजर भी है, इसको आपको इस तरह से घिस घिस कर अच्छे से करें। और ये आप मतलब जो फाइल आता है उस फाइल के मदद से भी अच्छे से कर सकते हैं। इसको घिस कर किसी जगह का इसको फिक्स करना है, नहीं तो ये जो छोटा है हाथ से बहुत बार निकल जाता है। तो इसका आप ध्यान रखकर उसको काट कर बना लीजिए। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से एक साइड से मैंने उसको घिस रहा हूँ। तो एक साइड से इसको मैं घिस कर इस प्रकार से बना रहा हूँ।
उसके बाद इस साइड घिसने के बाद दूसरे साइड को भी अच्छे से हम घिसकर निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने पूरा काट लिया है। अब हमें सेंटर में, जो सेंटर वाला भी उसका मार्क था, उसमें हमें ड्रिल कर लेना है। तो 5 mm का हमें यहाँ पर होल बनाना है। मेरे पास अभी 5 mm का ड्रिल बिट नहीं है, तो यहाँ पर हमें ये जो है मेरे पास 3 mm का है, तो इससे करके थोड़ा सा इसको हमें बढ़ा लेना है। उसके बाद हमें उस जो बड़ा वाला गेयर है उससे थोड़ा बड़ा वाला, मतलब यहाँ पर 20 teeth हैं, तो उसके लिए भी मैंने सेम प्रोसेस यहाँ पर फॉलो करने वाला हूँ। तो मैंने उसी प्लास्टिक को उसी प्रकार से काट लिया है राउंड करके। अब हमें उसमें उसको काट कर चिपका लेना है। तो यहाँ पर इसको काट लेते हैं दोस्तों राउंड करके, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में किया है। तो इस प्रकार से उसको काट कर हमें चिपका लेना है। उसके बाद आप इसको भी हैक्सो से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं टाइम बचाने के लिए मशीन से कर रहा हूँ। आप यहाँ पर थोड़ा सा टाइम टेकिंग का काम होगा, अगर आप हैक्सो से करेंगे आपका दिन भर यहाँ पर बीत सकता है, पर यहाँ पर बहुत ही अच्छा गियर आपका निकलेगा, जैसे कि मेरा यहाँ पर बना है। उसके बाद बनने के बाद थोड़ा सा इसमें फाइलिंग कर देते हैं, जिससे कि ये थोड़ा सा स्मूथ बन जाए और वर्क करने में अच्छा हो। मैंने इसमें बीच में से होल भी निकाल लिया है, तो यहाँ पर मैं आपको टेस्ट करके लास्ट में दिखाऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है और क्या है। घिसने के बाद दोस्तों ये बहुत ही स्मूथ बन चुका है। इस प्रकार से सारे टीथ को आपको अच्छे से घिस लेना है, जिसे कि मैंने घिसा है। तो दोनों हमारे जो छोटा और बड़ा वाला गियर है बनकर रेडी हो चुका है। एक में 10 teeth हैं और दूसरे में 20 teeth हैं। तो इस प्रकार से मैंने जो बड़ा वाला गियर है उसके साथ और एक यहाँ पर राउंड जो है अटैच कर रहा हूँ, जिसको कि हमें थोड़ा सा और यहाँ पर स्ट्रेंथ मिल सके। तो इस प्रकार से आप एक होल बनाकर और एक प्लास्टिक के टुकड़े को इस प्रकार से चिपका सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सुपर ग्लू की मदद से हमें उसको चिपका लेते हैं। तो ये हमारा जो गियर है अभी बन चुका है दोस्तों। आपको अभी हमें टेस्ट करके उसको दिखाऊंगा। तो ये जो गियर है कैसे यहाँ पर लग रहा है मुझे आप कमेंट करके बताएं। तो इसको आप 775 मोटर के साथ लगाकर बहुत सारे प्रोजेक्ट में वर्क कर सकते हैं, जिसको कि मैंने आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट इससे बनाकर दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो मोटर है, मतलब जो ये गियर है, बहुत ही अच्छा वर्क करता है। मैं आपको इसको अभी मोटर के साथ लगाकर दिखाता हूँ कि ये कैसे घूमता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैंने इसको लगाकर मोटर के साथ अभी इसको घुमाकर आपको अच्छे से ये जो है काम कर रहा है। तो ये जो घूम रहा है, ये थोड़ा सा मैंने पतला वाला रॉड लिया है, थोड़ा सा ये वाइब्रेट होकर घूम रहा है, पर ये बहुत ही स्मूथ यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।